फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर रीडिंग, और टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि क्या आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, माने कि 1111 या फिर 1010 आपको दिख रहा है, या फिर 333 दिख रहा है, या फिर 1212 दिख रहा है, तो क्या आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं। दूसरा टॉपिक ये है कि क्या आपको मिरर नंबर्स दिख रहे हैं, मिरर नंबर्स माने कि 1221, यानी कि अगर सामने 12 है तो उसके बाद 21 है, 1331 हो सकता है, 1441 हो सकता है, या फिर 1001 हो सकता है। ऐसे कोई नंबर्स जो हैं जो मिरर इमेज हो, यानी कि जैसे कि अगर हम रोमन नंबर में 4 लिखते हैं और 6 लिखते हैं तो वो क्या है, मिरर नंबर्स है। ऑलराइट, तो क्या आपको ऐसा कुछ दिख रहा है। और थर्ड टॉपिक जो है वो ये है कि क्या आपको एक ही सपना बार बार दिख रहा है, आर यू सीइंग द रिपीटेड ड्रीम्स, एक ही सपना बार बार देखने का कारण क्या हो सकता है। ऑलराइट, तो आई होप टॉपिक आपको क्लियर है। मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी ताकि आपको पाइल सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं पाइल्स कैसे मैंने डिवाइड किए हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, आप जैसे ही फ़ोन का स्क्रीन ऑन करते हो तो आपको अगर दिख रहा हो 1111, 1010 या फिर 111, 333, तो आप ट्रस्ट का कार्ड चूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर आपको बहुत ज़्यादा मिरर नंबर्स दिखते हैं 1221, 1331 या फिर 1551, ऐसा अगर कोई आपको नंबर दिखता है जो उल्टा हो एक दूसरे का, तो आप पेशेंस का कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा रिपीटेड सेम ड्रीम्स आ रही है, अगर आप सेम सपना देख रहे हो, बार बार देख रहे हो और आपको जानना है कि क्यों दिखा रहे हैं आपको डिवाइन, तो आप ये ग्रैटिट्यूड वाला कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इसकी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ भी देख सकते हो। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि आपको एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं और इसका कारण क्या है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ट्रस्ट का कार्ड, तो चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं डिवाइन से कि आपको जो है ये एंजल नंबर, कह लीजिए ये आपको क्यों दिखता है, क्या कारण हो सकता है कि आपको ये एंजल नंबर दिख रहे हैं, और एंजल्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ है जो आपको बताना चाहते हैं। ऑलराइट, तो इसके लिए आज हम देखेंगे मेजर अरकाना से कुछ कार्ड और जानने की कोशिश करेंगे कि ये नंबर आपको दिख क्यों रहे हैं, क्या कोई ऐसा इंडिकेशन है या फिर कोई ऐसा मैसेज है जो आपको डिवाइन बताना चाहते हैं, और क्या है वो मैसेज जो आपको अभी जानने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई इंडिकेशन दे रहे हो, कोई मैसेज हो जो आपको डिलीवर होने की ज़रूरत है। लेट्स फाइंड आउट कि आपको जो है एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं। ऑलराइट, ऑलराइट, जजमेंट का कार्ड आया है। ओके, वर्ल्ड, टैरो से कुछ कार्ड्स निकालेंगे और फिर करेंगे हम रीडिंग की शुरुआत फ्रेंड्स, क्योंकि जजमेंट का कार्ड यूं ही नहीं आता, जजमेंट आना वर्ल्ड के साथ। यहां से दो कार्ड आए हैं, चैरियट, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, Queen of Swords, okay, Sun, great, Sun, Four of Pentacles, Judgment again, okay, Empress again। आप देख रहे हो मैं आपके सामने कार्ड शफल कर रही हूँ, सेम कार्ड्स आए हैं, दो बार एम्प्रेस है और दो बार जजमेंट का भी कार्ड है। और राइट, यहाँ से आया है टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो हमारा सवाल था फ्रेंड्स कि आपको क्यों दिख रहे हैं एंजल नंबर्स, एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है जो भी रीडिंग देख रहे हैं
उनका अगर मैं साइन और एलिमेंट बात करूँ तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे वाटर साइन से हो, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस लीब्रा जेमिनाई हो सकते हैं या फिर फायर साइन हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे साइन और एलिमेंट की बात वैसे तो मुझे सारे के सारे ही दिख रहे हैं, बट हाँ है सारे एलिमेंट। खैर हम बात करना चाहेंगे कि क्यों आपको दिख रहा है, क्या है कारण। फ्रेंड्स मुझे नज़र आ रहा है कि अगर दो बार जजमेंट का कार्ड आया है, माने कि यहाँ पे जो है कुछ मेजर चेंजेस होने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में। कुछ लोगों के लिए जो यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोग में ऐसे हो सकता है 70-75% लोग जो हैं उनका बहुत लंबे समय तक एक कार्मिक इशू रहा है, कार्मिक साइकिल चली है, कार्मिक चीज़ें रही हैं बहुत ज़्यादा, हर चीज़ में उन्हें टेस्ट देना पड़ा हो, हर चीज़ में उनका सामना करना पड़ा हो कोई भी प्रॉब्लम का, तो आपका ये जो टफ साइकिल है ना ये एंड होने वाला है। ये मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज लग रहा है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि ये कार्मिक इशू जो है कुछ लोगों के लिए पर्सनल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वर्क एरिया में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, हर कुछ कर रहे हो बट आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो इसका जो है आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है आने वाले वक्त में। कुछ लोगों के लिए आने वाले 3 हफ्ते हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आने वाले 7 दिन में आपको मिल सकता है, कुछ लोगों के लिए 2-4 हफ्ते हो सकते हैं। आपको ये साइकिल का जो ये सॉल्यूशन है ये आपको मिलने वाला है, एंडिंग होने वाली है आपके टफ साइकिल्स की। ऑलराइट, आपके पैसे रुपए को लेकर, आपके अगर लोन्स चल रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा उधारी में हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कमिटमेंट इशू हो रही है या फिर आपके पर्सनल लाइफ को लेकर प्रॉब्लम है, इसमें आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि जो बाहर जाना चाहते हैं, देश से बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, कुछ लोग सेटल के लिए जाना चाहते हैं, उनका वीज़ा अप्रूव नहीं हो रहा या फिर पासपोर्ट को लेकर कोई इशू चल रहा है, इसकी भी सॉल्यूशन आने वाले वक्त में आपको मिलने वाली है। आपका ये जो सॉल्यूशन है ये भी क्लियर होने वाला है। कुछ यहाँ पे ऐसे लोग हैं, मुझे 20-30% लोग लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है ना फ्रेंड्स, ये बैलेंस नहीं है। माने कि या तो आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में हो, या मैं ये भी कर लूँगी, वो भी कर लूँगी, वो भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ऐसे एनर्जी में हो, या फिर आप बिल्कुल डाउन हो, या कि मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे डर लगता है। इस चाक्रा का, इस सिचुएशन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तो ये बैलेंस की कमी मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे कुछ लोग जो है हो सकता है आने वाले वक्त में आपको ये भी इंडिकेशन डिवाइन दे रहे हो एंजेलिक नंबर दिखा के, कि हो सकता है आपके जो लोन लेकर प्रॉब्लम है, आपके फिनेंसेस को लेकर प्रॉब्लम है, इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाए। हो सकता है कोई आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिल जाए, कोई ऐसी आपको मदद कर दे कि आप बहुत अनएक्सपेक्टेड रहा हो, तो इसका भी सॉल्यूशन जो है आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। कोई ऐसे लेडी हो सकती है, कोई महिला हो सकती है जिनका कुछ एज हो, जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, वो पर्सन आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती है इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में आपके फिनेंसेस को लेकर, और बहुत ही ऑल ऑफ अ सडन ये चेंजेस होंगे। यहाँ पे मुझे एक और मैसेज जो नज़र आया है आपके लिए फ्रेंड्स, वो ये है कि अगर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों को कि आप अपने फैमिली में जो है गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट किसी ना किसी प्रॉब्लम से ये चीज़ें नहीं बन पा रही हैं, चीज़ें सेटल नहीं हो पा रही है, या फिर आप कंसीव को लेकर कोई प्रॉब्लम है, तो इसका भी गुड न्यूज़ आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली आ रहा है। अगर कुछ लोग ये डिसीजन में बीच में अटके हो कि आपको देश से बाहर या फिर शहर से बाहर जॉब करने जाना चाहिए कि नहीं, क्या प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, तो आपको डिवाइन ये कहने हैं कि टेक अ स्टेप अहेड, यानी कि आप कदम बढ़ाइए। कदम बढ़ाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप कदम नहीं बढ़ाओगे तो आपको कैसे ज़िंदगी में चीज़ें समझ में आएंगी, हर चीज़ आपको बैठे बिठाए नहीं मिल सकती है। तो आपको ये डिवाइन कहना चाहते हैं कि आप स्टेप लीजिए ना, जो भी प्रॉब्लम आएंगे उसके सॉल्यूशंस भी ज़रूर आते हैं, सिर्फ डिवाइन हमें ऐसे प्रॉब्लम में कभी नहीं डालते जिसका सॉल्यूशन ही ना हो, अनलेस एंड अनटिल आपके कर्मा बहुत ख़राब हो सकता है, आपने कुछ ख़राब किया हो, और अगर आपने कुछ ख़राब नहीं किया, आपके मन में कोई खोट नहीं है, फिर आपको डर किस बात की है। ऑलराइट, तो अगर आपको एंजेलिक नंबर दिख रहे हैं तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से आपको दिख रहे हैं और आपके सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आपको एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, कोई मैसेज जो है जो आपके लिए अगर आ रहा है, हम यहाँ से सिर्फ 2 कार्ड लेंगे। ऑलराइट, कम्युनिकेशन इस तरह की, बात करने की ज़रूरत है, बात करने से बातों का समाधान निकलता है, तो आपको डिवाइन कहना चाहते हैं
कि कम्युनिकेशन इज द की, इमोशंस आर रनिंग हाई, ज़्यादा इमोशनल ना हो, इमोशनल ज़्यादा होने से चीज़ें जो हैं वो वहीं की वहीं रह जाती हैं। अगर आपको कोई हेल्प भी करता है, अभी हमारा सुपर मून भी गया है लास्ट 7 days बैक, तो हाँ आपको कहा जा रहा है कि इमोशंस को लेकर आप ज़्यादा ना सोचें, इमोशनल ना हो जाए अगर आपकी लाइफ में ये चीज़ घटती है। और बहुत ही यू नो एक सिनेमैटिक टाइप हो सकता है कि आपको अचानक से कोई मदद कर दे और आप बहुत इमोशनल हो जाओ कि ओ माय गॉड मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, तो हो सकता है भगवान, जब हो सकता है दोस्त, क्योंकि जब भगवान चाहेंगे तो क्यों नहीं कुछ हो सकता। ऑलराइट, और आपको ये भी बोला जा रहा है योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान, यानी कि अगर आप कोई ऐसा सपना देख रहे हैं बाहर जाने के लिए जैसे मैंने बोला, या फिर किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, तो उसे प्रैक्टिकली अपने ज़िंदगी में करने की कोशिश करें। ऑलराइट, तो पॉइंट वन ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको पसंद आई हो, पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बाय बाय। हाय पाइल टू, वेलकम बैक टू रीडिंग। तो अगर आपने सेलेक्ट किया है ये पेशेंस का कार्ड, माने कि अगर आपको मिरर नंबर्स दिख रहे हैं, माने कि जैसे कि मैंने बार बार बताया आपको, जैसे कि 12, 21, 13, 31, 14, 41, 15, 51, तो आपको ये क्यों दिख रहे हैं और क्या इंडिकेशन है जो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। ऑलराइट, चलिए अब हम देखते हैं मेजर आर्काना कार्ड से कि क्या है जो आपको डिवाइन कहना चाहते हैं, क्यों दिख रहे हैं आपको ये नंबर्स और इसका सॉल्यूशन क्या है आपकी जिंदगी में। हमिट सन, ये यहाँ से आया वर्ल्ड का कार्ड। ऑलराइट, हम कुछ कार्ड टैरो से निकालेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि क्या है, क्यों दिख रहे हैं आपको ये नंबर्स, क्या बताना चाहते हैं ये नंबर्स आपको। सारे कार्ड्स फिर गए, लेट्स फाइंड आउट क्या है, क्यों दिख रहे हैं आपको ये रिपीटिंग या फिर मेरा नंबर्स। एट ऑफ ओके, मैजिशियन बॉटम से आया है फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ऑलराइट, हम साइन और एलिमेंट की बात नहीं कर रहे क्योंकि हम टॉपिक के ऊपर आज हम रीडिंग कर रहे हैं। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं, अगर एनर्जी आपसे मैच करती है, सिचुएशन आपसे मैच करती है, तो फिर हम देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन भी क्या है। ऑलराइट, तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि आपको ये क्यों दिख रहा है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो मुझे नज़र आ रहा है कि आपको अगर मिरर नंबर दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। माने कि आप हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों के पीछे भागते थे, घर बंगला पैसा पैसा, यू नो गाड़ी चाहिए मुझे, ये गाड़ी ये वो दिस दैट, तो मटेरियल चीज़ों के पीछे आपकी भागने की आदत थी। आपको हमेशा लगता था कि अभी आज मेरे पास ये है तो कल मुझे वो चाहिए, जैसे कि आज आपके पास आईफोन 13 है, आपको कल आईफोन 14 चाहिए जो आने वाला है या फिर आ चुका है पता नहीं। तो ऐसा कुछ आपका रहा है कि आपको गैजेट से बहुत प्यार हो या फिर आपको हर नई चीज़ों की तरफ आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो कि ये मार्केट में लेटेस्ट आया है ये मुझे चाहिए, ये मार्केट में नया है ये भी मुझे चाहिए, आपको ऐसी आदत रही। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर जो है आपको एक टाइम ऐसा भी रहा है ना कि कभी कभी आपको ऐसा लगता हो कि चीज़ें आपके आसपास बहुत ज़्यादा है और लोग आपके पास नहीं है, अकेलापन महसूस करते हो आप। यानी कि एक टाइम ऐसा आता है कि आपके पास सारे के सारे गैजेट्स हैं, सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं, पर आप कहीं ना कहीं अकेले हो जाते हो। आपको लोग ऐसा देखते हैं कि ये भाई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये बहुत हाई फाई है, तो लोग जो है आपसे डिस्टेंस कर लेते हैं और आपको ऐसा लगता है कि कोई तो मेरे साथ है नहीं, इसमें मैंने गलत क्या किया।
तो फ्रेंड्स आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आपकी जो है ये आने वाले वक्त में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है। आपको समझ में आएंगी कि क्या चीज़ें जिंदगी में एक्चुअल में ज़रूरत पड़ती है और क्या नहीं पड़ती है। और राइट, कुछ लोगों के लिए एनर्जी मुझे ऐसी आई है कि आपके अंदर करेज की कमी है, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, आपके अंदर डर है। किस बात का डर है? आपके अंदर डर है कि कोई भी चीज़, अगर आपको कोई भी फैसला लेना हो, आपको डर इस बात का लगता है कि मुझसे मत पूछो, मुझे नहीं पता, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। आप, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की बातों पे बहुत ज़्यादा चल लेते हो, लोग जो कह रहे उसी को आप मान लेते हो, यही सच है, यही आंसर है। तो ये कहीं ना कहीं आपके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा अफेक्ट डाल रही है। माने कि अगर आपका पर्सनल कोई लाइफ है, यानी कि अगर आप सिंगल नहीं हो, आप कमिटेड हो, या फिर अगर आप मैरिड हो और आप दूसरों की बातों को ही भरोसा करके अपनी ज़िंदगी में चल रहे हो, तो बहुत ज़्यादा क्लैशेस हैं आपके पर्सनल लाइफ में। यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा फाइट्स है, ड्रामा है, कुछ भी आप कह लो, बैलेंस नहीं चल रही है। और इसका कहीं ना कहीं कारण लोग हो सकते हैं, या फिर आपको ऐसी आदत है कि आप हर बात कुछ लोगों से शेयर करते हो जो आपकी पर्सनल हो, और लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, तब आपको हो जाती है प्रॉब्लम। ऑलराइट, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये जानना चाहते हो कि आपका, हो सकता है, मुझे पता नहीं है कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, क्योंकि एक एनर्जी ये भी आई है, कुछ लोगों ने हाल ही में, हो सकता है 2 महीने हुए हो या 3 महीने हुए हो, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 1-2 महीने की एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है कि अचानक से कोई आपके लाइफ में आकर जुड़ा है, कोई पर्सन हो सकता है, नो मैटर आप मेल है फीमेल है, ठीक आपका ऑपोजिट जो भी है, वो आपके लाइफ से आकर जुड़ा है और आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उस पर्सन के साथ फील कर रहे हो, बट आपको पता नहीं है कि क्या है, ये पर्सन क्यों आया, ये पर्सन तो ऐसे ही था, ही वॉज ए नॉर्मल फ्रेंड, और हम बस फ्रेंड्स ही थे, कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी। बट इस पर्सन के आने से आपको ऐसा लगा है कि क्या ये मेरा सोलमेट है, क्या मेरा ये डिवाइन काउंटर पार्ट है, ट्विन फ्लेम है, क्या है? तो हाँ, यहाँ पे मुझे सबके लिए तो ये नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि जी हाँ, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिले हो, सोलमेट भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, और आप इनसे इसीलिए मिले हो क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि आपकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, तो इस पर्सन की भी जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही थी और आप दोनों को शायद ये चीज़ साथ करना था या फिर डेस्टाइन था ये साथ होना, तो इसीलिए आप इस पर्सन से मिले हो। इस पर्सन के आने से आपकी लाइफ में जो है आप कहीं ना कहीं ये फील कर पाते हो कि कुछ चीज़ें जो थी जो बहुत ही इमेच्योर एनर्जी में थी, कुछ चीज़ें जो थी जो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस नहीं थी, प्रॉब्लमेटिक थी, उस चीज़ में धीरे धीरे बैलेंस आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे हमेशा बात करते हैं, हमेशा आपके साथ बिजी रहते हैं, आप हमेशा चैट करते हो या कॉल पे रहते हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है बहुत कम कम्युनिकेशन होता हो, बहुत कम बातें होती हो, बट ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपको एक स्पिरिचुअल लेवल पे आपको उठाने के लिए आए हैं, यानी कि आपका आँख खोलने के लिए आए, आपका थर्ड आई खोलने के लिए आए हैं ये पर्सन। और यहाँ पे मुझे एक और मैसेज जो नज़र आ रहा है वो ये है कि कुछ लोग जो है यहाँ पे, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो ये चाहते हैं कि उनका जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ को लेकर जो उनकी इशू चल रही है, हो सकता है थर्ड पार्टी इशू चल रही है आपके पर्सनल लाइफ में, कोई पर्सन है, फैमिली है, या फिर हो सकता है आपका वर्क है, या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, आप चाह रहे हो डिवाइन से कि अब बस बहुत हो गया, अब मुझे इस पर्सन के साथ सेटल होना है, अब मुझे अपनी फैमिली लाइफ चाहिए, मैं बहुत, या फिर ऐसा हो सकता है आप अपनी फैमिली से बहुत दूर रहते हो और अब आप चाहते हो कि आप अपने देश लौट आओ, आप अपने शहर पे लौट आओ, और अब आपको बाहर नहीं जाना, जो करना है आपको यही करना है, यही आपको कोई नई बिजनेस की शुरुआत करनी है। तो आपकी ये विश भी जो अगर है आपकी, तो ये भी आपको बोला जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये पूरी होने वाली है। आने वाला वक्त आपके लिए मैक्सिमम 3-5 हफ्ते हो सकते हैं, आप ये चेंजेस देख पाओगे। कुछ लोग हो सकता है बहुत जल्दी देख पाओ, 2-3 दिन हो सकते हैं, बहुत कम लोगों के लिए होगा ऑफकोर्स, बट हाँ, आप 3-5 हफ्तों में ये चेंजेस देखोगे कि आप जो सॉल्यूशन मांग रहे हो ना, उसका आंसर कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है। ऑलराइट, तो ये इंडिकेशन है डिवाइन के और ये वो आपको बताना चाहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि और क्या मैसेज आपको डिवाइन देना चाहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है ना, तो आपको पेशेंस की ज़रूरत है।
क्योंकि इम्पेशेंस की भी एनर्जी मुझे नजर आ रही है. हर चीज़ का सोल्यूशन अभी चाहिए, हर चीज़ का आंसर मुझे अभी चाहिए. तो दो कार्ड्स मुझे चाहिए थे, दो कार्ड्स आ गए. ओके, आपके लिए तीन कार्ड्स आए हैं. लेट मी सी. सबसे पहला कार्ड आया है अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन. तो मैंने बोला भी था कुछ लोगों का, अभी मैंने बोला कि पर्सनल कुछ अगर है आपका मैनिफेस्टेशन, वो पूरा होने वाला है. अ विन विन आउटकम इज फोरकास्टेड. तो हाँ, प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन भी आ रहा है आपके पास. लुक एट द बिगर पिक्चर, माने कि अभी जो आपको दिख रहा है ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी पिक्चर मेरे बाकी है दोस्त. ऑलराइट, और आपको बोला जा रहा है टेक टाइम टू ब्रीद आउट, घबराए नहीं, सॉल्यूशंस आपके पास ही है, बस आपको देखने का नजरिया बदलना है. ऑलराइट फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग. होप आपको पसंद आई हो. पसंद आई हो तो लाइक करें. चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. बाय. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक. तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये ग्रैटिट्यूड का कार्ड, यानी कि अगर आपको रिपीटेड ड्रीम्स दिख रहे हैं, एक जैसे सपने दिख रहे हैं, तो क्यों दिख रहे हैं, आइए अब हम जानने की कोशिश करेंगे. और कोशिश हम शुरुआत करेंगे मेजर आर्काना कार्ड से और देखेंगे कि आपको ये क्यों दिख रहा है, क्या हो सकता है इसके पीछे का कारण, और डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं कि आपको ये रिपीटेड ड्रीम्स क्यों दिख रहे हैं, क्या है इसका मतलब और क्या है इसका आंसर. राइट, लवर्स. ओके, सन, लवर्स एंड सन, व्हाट अ कॉम्बिनेशन. जस्टिस, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. सोच से परे कुछ ऐसा है जो होने वाला है आपकी जिंदगी में. ऑलराइट, चलिए अब हम कार्ड्स देखते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि क्यों आपको दिख रहे हैं ये ड्रीम्स, क्या हो सकता है इसके पीछे का कारण, ये रिपीटेड ड्रीम्स दिखने के पीछे का कारण क्या है. बॉटम से आया है फूल का कार्ड. चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि क्यों दिख रहे हैं आपको ये रिपीटेड ड्रीम्स और ये ड्रीम्स का मतलब क्या है. ऑलराइट, साइन और एलिमेंट की मैं बात नहीं कर रही क्योंकि आज हम सिर्फ टॉपिक को लेकर बात कर रहे हैं. अगर आपसे सिचुएशन रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग आपकी है. फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे, हो सकता है 40-45% या 50% लोग यहाँ पर कुछ ऐसे हैं ना कि आप कुछ महीनों पहले, कुछ महीने माने कि मैं कह सकती हूँ पास्ट 6 मंथ में, आप अचानक से किसी पर्सन के साथ जुड़े और ये पर्सन के साथ आप सोशल मीडिया के थ्रू आप जुड़े हो और आप दोनों में कुछ खास ऐसी दोस्ती नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हो या बातें कर रहे हो. नहीं, आप कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हो और आप दोनों सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हो और जुड़ने का कारण जो है वो ये हो सकता है कि आपके और इस पर्सन के दोनों के लाइफ में, हो सकता है आप दोनों के पर्सनल रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम रही हो. यानी कि आप हो सकता है किसी और के साथ कमिटेड रहे हो उस वक्त, वो किसी और के साथ कमिटेड रहे हो और दोनों को कहीं ना कहीं पास्ट में धोखा मिला था और इसी से आप दोनों की जो जर्नी है वो शुरू हुई थी. यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे 70% लोग जो है एक ट्विन फ्लेम से मिले हो और ये ट्विन फ्लेम जो है कहीं ना कहीं आपको आप ही की एनर्जी की तरह आपको मिले हैं. यानी कि
जैसा आप सोचते हो वैसा ही हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा साइकिक हो, ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, इन्हें एनर्जी समझ में आती है, इन्हें बातें समझ में आती है और बहुत ही क्लैरिटी के साथ ये आपको मिले हैं। साइन हो सकता है इस पर्सन का लीब्रा हो सकता है या फिर इस पर्सन का साइन जेमिनाई हो सकता है। मैं साइंस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे स्ट्रांग नज़र आ रही है। या फिर हो सकता है इस पर्सन का साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए फायर साइन भी ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर का ये साइन हो सकता है। ऑलराइट, अब यहाँ पे जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि अब आप मिल तो गए हो, अब क्या हुआ है, जब आप इस पर्सन से मिले हो, जब आप इस पर्सन से बात की हो, तो आपने ऐसा सोचा कि ये जर्नी शायद ऐसे ही चलने वाली है, ये जर्नी शुरुआत हो चुकी है, आप दोनों अलग हो चुके हो, तो आप दोनों की जर्नी अब बनने वाली है या फिर बनेगी। बट आपको ये ड्रीम्स के थ्रू ये बोला जा रहा है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। माने कि इतना आसान नहीं है ये जर्नी, क्योंकि ट्विन फ्लेम की जर्नी इतनी आसान नहीं होती। मुझे ऐसा भी मैसेज आ रहा है कि इसमें से आप या आपके पार्टनर स्टार सीड हो सकते हो, और स्टार सीड की जर्नी जो है बहुत टफ रहती है फ्रेंड्स। बोलना बहुत आसान है, समझाना बहुत मुश्किल है। हर चीज़ में आपको टेस्ट देना पड़ता है, हर एक छोटे चीज़ को पाने के लिए बहुत ही शिद्दत से वो चीज़ को आप अगर चाहोगे तो आपको मिलेगी, मेहनत आपको बहुत देनी पड़ती है। तो हो सकता है आप या आपके पार्टनर या फिर आप दोनों जो है स्टार सीड हो सकते हो, या फिर आपकी जर्नी स्टार सीड जैसी हो सकती है या है। ओके, तो अब आपको ये बोला जा रहा है कि आपने जैसा सोचा था कि ये पर्सन तो आ गए हैं और मेरा ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, तो मैं इस पर्सन के साथ जर्नी स्टार्ट करूं, तो तब हो गया है आप दोनों के बीच में टावर। यानी कि वो पर्सन हो सकता है आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, क्योंकि उनकी लाइफ में भी रिसेंटली ऐसी ही घटना घटी है और आपके लाइफ में भी ऐसा हुआ है, तो आप जो स्टेबिलिटी ढूंढ रहे थे ना वो आपको नहीं मिला। तो आपका जो ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये कहीं ना कहीं अटक कर रह गया, ये बीच में रह गया। यानी कि ना आप इस तरफ जा पा रहे हो, ना आप उस तरफ जा पा रहे हो, ना आप इस पर्सन को भूल पा रहे हो, ना ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे रहे हैं। तो ये ड्रीम जो आप देख रहे हो, ये जो सपना देख रहे हो और इसको लेकर अगर आप सोच रहे हो, तो आपको जानना है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्यों मुझे दिख रहा है। तो इसका जो मुझे सॉल्यूशन जो भी कार्ड्स नज़र आए हैं इसमें से मुझे मैसेज चैनल ये हो रहा है फ्रेंड्स कि आपको अभी डिवाइन यही कहना चाहते हैं कि अभी आपका जो एम होना चाहिए, जो लक्ष्य होना चाहिए, वो आपका वर्क होना चाहिए। अगर आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो, अगर आप अपने काम के तरफ रुझान करते हो, अगर आप अपने काम के तरफ ध्यान देते हो ना, तो ये जो चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिश्ते को बॉदर कर रही है ना, ये ओवरकम हो जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन भी जो है, नो मैटर मेल फीमेल हो, इनके लाइफ में भी जो है एक मटेरियल सक्सेस की इन्हें ज़रूरत है, इन्हें फिनेंसेस को स्टेबल करने की ज़रूरत है। फिनेंशियली आपकी फैमिली रिच है, इनकी फैमिली रिच है, डजेंट मैटर, आप दोनों जो है फिनेंशियली अभी स्टेबल नहीं हो। तो अगर आप फिनेंशियली स्टेबल होते हो, फिनेंसेस को लेकर अगर अपनी चीज़ों को सही करते हैं, और अभी के लिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हैं, इस पर्सन को लेकर आपको बहुत ज़्यादा बार बार आप इस पर्सन को लेकर सोचते हो, स्टॉक करते हो और इस पर्सन के बारे में ही सोचते रहते हो हमेशा, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको फूल की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। यानी कि अगर अभी आपको अपने लाइफ में सिर्फ अपना फोकस जो है अपने वर्क और करियर की तरफ करना है और कहीं भी आपको नहीं देखना, अगर आप उसमें बैलेंस ला सकते हो तो लाइफ में भी बैलेंस आपकी आएगी आने वाले वक्त में। अब सवाल ये उठता है कि कितने दिन में ये बैलेंस आएगी, कब तक आएगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आने वाले 6 वीक में और कुछ लोगों के लिए आने वाले 6 महीनों में आपको ये आउटपुट दिख जाएगा। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि अगर आप सोच रहे हो कि क्या आपके इस पर्सन के साथ फ्यूचर है, तो देखिए फ्यूचर है बट डिले है आपके मैरिज में। अगर आप शादी करना चाहते हो तो डिले है, पर सन का कार्ड है यहाँ पे, तो हाँ होगी ज़रूर। तो अगर आप डिले की बात करो तो मुझे लग रहा है यहाँ से 2 से 3 साल का वक्त आपको लगेगा कि ये पर्सन आपको कमिट करे और फिर आप दोनों शादी करें और फिर आप अपना घर बसाएं। तो इतना डिले तो मुझे नज़र आ ही रहा है। ऑलराइट, और यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप इस पर्सन के साथ
सॉल्यूशन अगर आप चाहते हो, तो अगर आप चाह रहे हो कि इस पर्सन के साथ आप जुड़े रहो, तो आप इनके साथ कोई ऑनलाइन वर्क स्टार्ट कर सकते हो, ऑनलाइन आप कोई यू नो बिजनेस पार्टनरशिप कर सकते हो, फिर आप एक दूसरे को और अच्छे तरीके से जान पाओगे, क्योंकि ये पर्सन अभी कमिटमेंट के मूड में तो नहीं है। तो अगर आप धीरे धीरे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे, तो हो सकता है चीज़ों का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाए। ऑलराइट, अब हम देखते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। फ्रेंड्स, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, बहुत ही ज़्यादा हाई टाइम चल रहा है आपके ज़िंदगी में, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस का टाइम चल रहा है। बिलीव इन इम्पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो, एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू। जैसे हो आप रियलिटी में ना, वो दिखाओ, मुखौटा उतारो। अगर आपने कोई ऐसा मुखौटा पहना है अपने अंदर, तो आपको बोला जा रहा है उस मुखौटे को उतारिए, सच्चाई के रास्ते पर चलिए, सॉल्यूशंस आपको मिलेगा। और आपके जो ड्रीम्स है, उन्हें चाहिए कुछ प्रैक्टिकल प्लान, यानी कि ड्रीम देखने से नहीं होता, सॉल्यूशंस पे भी काम कीजिए। ऑलराइट, तो पाइल थ्री ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।